सरोकार। पटना में बीजेपी के हर एजेंडे को लेकर पोल खोल कार्यक्रम, बीजेपी के काले सच को किया जाएगा उजागर। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीसराय में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की जांच, जन वितरण प्रणाली की दुकान में हुई जांच। बिहार में छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारी, शहर के विभिन्न छठों घाटों का किया निरीक्षण। भागलपुर में बाढ़ से परेशान हुए लोग, खानाबदोश की तरह जीवन जीने को लोग मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखीसराय से है, जहां मननपुर बाजार में दुर्गा मंदिर में लक्ष्मी नारायण पूजा में सोमवार की संध्या को होने वाली महाआरती के चानन के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और आए हुए गणमान्य में चानन जिला परिषद के प्रतिनिधि मदन मंडल, इटौन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और पंचायत समिति ने प्रतिनिधि बजरंगी साव का कमेटी के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया और युवाओं ने प्रशासन के सारे जवानों में चौकीदार संघ सामान्य ड्यूटी में तैनात जवान को भी सम्मानित कर प्रशासन की नजरों में भी अपना अहम स्थान बनाया। मेला भी चल रहा है, श्रद्धालु लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लोग थोड़ा वर्षा के चलते बीच में थोड़ा सा कम हो गया था भीड़, लेकिन धीरे धीरे भीड़ जुट रही है, अच्छा से मेला लग रहा है। लोग रख ले रहे हैं झूला का और तरह तरह का जो इसमें है खेल के सामान है, सब लोग कोई चाट खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नालंदा जिला के अंतर्गत बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र के राजा कुआं के पास मंगलवार की देर शाम सड़क किनारे एक अधेड़ का शव पुलिस ने बरामद किया, जिसके बाद मृतक के पास मिले पहचान पत्र से युवक की पहचान की गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुट गई। के बारे में जानकारी मिली कि मेरे छोटे पापा को पीट पीट कर करके हत्या कर दिया, झूठ मूठ फिर रोड पे एक्सीडेंट के अथी पे फेंक दिया गया। कोई विवाद था क्या पहले? पहले से कुछ ऐसा ही गांव का मामला था, ठीक ना, और वही हमको एकदम पूर्ण गारंटी है कि वही किया। क्या वो जेल छूट के आया है? हाँ, कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले। गोली भी चला था क्या? हाँ, किस पर गोली? वो आया था तो 20-50 को फायर किया था ऐसा ही। क्या है जो डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर हैं, उपरामा में क्लिनिक खोले हुए, वहाँ से पर डे आना साइकिल से और साइकिल से जाना होता था। खबर नालंदा से है, जहां एक अधेड़ युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद युवक की पहचान का पता चला कि युवक नालंदा जिला अंतर्गत रहुई थाना क्षेत्र के डिहरा गांव का रहने वाला है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुट गई। पापापुरी लेके भाग गया है, और पापुरी गया है, पापुरी गेट पर को छोड़ के, और उसके बाद वहाँ से अपना इन लोग चलाया है और अंदर कर दिया है, और उसके बाद से चलाया फिर। खबर पटना से है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और अखिलेश सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए जो दो मतदाता हैं, मेरा उनसे अनुरोध है मुझे वोट दें। राहुल गांधी और गांधी परिवार से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता है, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा हूं। कैंडिडेट बना, ये सब सीनियर लीडर्स डेलीगेट्स मुझे 18 घंटे पहले बताया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए, कारण क्या है मैं पूछा। तब सभी लीडर्स, आप देखे होंगे जो नॉमिनेशन में बहुत से लीडर्स आकर मेरा ये नामांकन पत्र भरने के लिए मुझे सहयोग किया,
कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। ये प्रत्याशी है उस हर कार्यकर्ता के लिए जो कांग्रेस के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए जो दिन रात कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। साथियों, जिस तरह से हमारे चुनाव हो रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। खबर सहरसा से है, जहां सीबीआई टीम ने सहरसा के प्रधान डाकघर पहुंचकर जांच पड़ताल किया और तकरीबन 3 घंटे तक सीबीआई टीम की जांच चली। बता दें, सहरसा और सुपौल के प्रधान डाकघर में 3,30,00,000 सरकारी राशि गबन करने के मामले को लेकर सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां के पौश इलाके में जश्न फरोशी के धंधे का खुलासा हुआ। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर शास्त्री नगर थाने के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसकेपुरी थाना अंतर्गत स्टाइल बाल वेलनेस स्पा में छापेमारी की, जहां महिला सरगना सहित 2 सेक्स वर्कर के साथ साथ 3 पुरुष कस्टमर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें, सभी गिरफ्तार वर्कर पटना की रहने वाली बताई जा रही है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव से दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निर्दयी पिता ने ही अपने ही बेटे के हाथ पैर बांधकर कोसी नदी में फेंक दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को सूचना मिलते ही पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम की मदद से बच्चे की तलाश की गई और सफलता नहीं मिली। दिलखोश आप ही का लड़का था? किसका था? इसका पाल पोस कौन कर रहा था? आप ही कर रहे थे? कितना साल का लड़का था? 7 साल का। ये बात आपके जहन में कब आई कि ये लड़का मेरा नहीं किसी और का है? जब से पैदा हुआ था। नालंदा पुलिस ने व्यवसायी के घर पर लूट के इरादे से चल रहे 2 अपराध कर्मियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि इसकी जानकारी सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की सक्रियता के कारण ही अपराधी कर्मी अपने मनसूबे में सफल नहीं हो सके। गुज़श्ता रात्रि नूरसराय थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें थानाध्यक्ष नूरसराय को सूचना प्राप्त हुई थी देर रात्रि के अंदर, जो बाजार संगत पर हैं, एक व्यवसायी का घर है, उसके घर पे कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर आए हैं और घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पे तत्क्षण कार्रवाई की गई है, घेराबंदी कर जो अपराधकर्मी को पकड़ने का प्रयास किया गया। खबर नालंदा से है, जहां मानपुर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव के रहने वाला युवक खेत में फसल देखने गया था। वहीं बारिश के चलते ताड़ के पेड़ का टनका उसके ऊपर गिर गया, जिसके युवक मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद राहगीरों की मदद से युवक के परिवार को सूचना दी गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार को कोहराम मच गया और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या कर गए थे? फसल देखने के गए थे, लगा टाइम फसल फसल देखने के गए थे, उसको नदी पार हुए थे और तार तो छिपे हुए थे, उसमें ठंडा गिर गया है, उसमें डेट लगा। आप लोग को कैसे जानकारी मिला? जानकारी गए और लोग सब जाते हैं खेत पर, तो बताए फिर गांव से हौड़ा हुआ, उसके बाद गए लाने के सब देखा, तो जब तक तो वहीं स्पॉटेड हो चुके थे। हाँ, कि ये मामला है? ये मामला बिशुनपुर का है सर। कहाँ पड़ता है? मानपुर थाना का है, बिशुनपुर। खबर नालंदा से है, जहां बाजार में जेवर की दुकान में 2 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं की जमकर पिटाई की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। खबर भागलपुर से है, जहां जिले के नवगिछिया अनुमंडल के 3 घंटा में फिर से गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहां अब फिर गंगा किनारे तेजी से कटाव हो रहा है, नतीजन कई घर गंगा में फिर सामने लगे तो कई घर समाने के कगार पर हैं और लोग पॉलीथीन शीट के सहारे यहां सड़क किनारे किसी भी तरह खाना बदोश की तरह जिंदगी जीने को विवश हो रहे हैं। इतना दिक्कत है
लेकिन कि पंडित दे के कितना पंडित में हम लोग झरक रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है। इतने में रह रहे हैं सब? हाँ, सब इतने में रह रहे हैं। कितना दिक्कत है, और तो कट के चले गया, 200 घर कट गया। टकलेश्वर दशमी नवमी पूजा का, नवमी पूजा 10 बजे कोई नहीं देखे वाला। खबर भागलपुर से है, जहां पर शाहकुंड प्रखंड के खैराई में कुएं से बकरी का रेस्क्यू करने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर बेहतर उपचार नहीं होने से उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद मृतक युवक की पहचान मोहम्मद सद्दाब और मोहम्मद सरफराज के रूप में की गई। वहीं परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की, और डॉक्टरों पर परिजनों ने आरोप लगाया कि समुचित इलाज नहीं होने के कारण मौत हुई है। सूचना मिली थी कि मतलब घर के अंदर एक ढका हुआ कुआं था, और उस कुएं में मतलब कुछ हट जाने के कारण एक बकरी गिर गई थी। उसी को निकालने के लिए 2 लोग उसके पीछे गए और वो उसी में मूर्छित हो गए, और फिर बाद में उनका डेथ हो गया। उनको हॉस्पिटल भी लाया गया था, एक उनका फिर डॉक्टर साहब ने चेकअप करा, फिर उनको मृत घोषित किया। जैसे सूचना मिली हम लोग एम्बुलेंस भेज दिए स्पॉट पर, डेड बॉडी निकाला और एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल लाया। पहला मरीज बॉडी था सरफराज का, 35 साल उम्र। देखने के बाद उसका मतलब मृत घोषित किया गया। खबर पटना से है, जहां पर बीजेपी के हर एजेंडे को लेकर पूरे बिहार में पोल खोल कार्यक्रम होगा और धरना कर बीजेपी के काला सच को उजागर किया जाएगा। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। और मोकामा में उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान देते हुए कहा कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और मोहन गुप्ता दोनों को सभी दलों ने मिलकर समर्थन किया है। हमारा महागठबंधन में सभी घटक दल के लीडर ने तय कर दिया है, और इसके बाद में कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया है कि हमारे दोनों जगह वहाँ जो उम्मीदवार हैं, जो मुकामा हैं, वो नीलम देवी जी हैं, और हमारा जो गोपालगंज है उसमें मोहन गुप्ता जी हैं। दोनों जगह हम लोगों ने चयन करके उम्मीदवार को तय करके घोषणा कर दिया, विधिवत उसका घोषणा भी हो गया है। और पार्टी और संगठन और पूरे इन महागठबंधन सब लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने में लगे। हमारा कार्यक्रम यही है, भाजपा हराओ और देश बचाओ। सरकार के निर्देशानुसार हर बुधवार को सरकार के आला अधिकारियों को पंचायतों में योजनाओं की जांच कर उनका रिपोर्ट देना होता है। ऐसे में बुधवार को चानन के इटौन पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने पीडीएस ने मध्य विद्यालय रामपुर मननपुर इटौन की जन वितरण प्रणाली की दुकान की जाँच की, और प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार जाँच चलने से योजनाओं संग अन्य जगहों में सही और सुचारू कार्य हो रहा है। वैसा कुछ भी नहीं है जिसमें आलोक कुछ भी दिखाई दे। आज इटौन पंचायत में पंचायत स्तरीय विभिन्न योजनाओं की जांच की गई। जांच की क्रम में ऐसा पाया गया कि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जो पंचायत स्तरीय जांच हो रही है उसका फल आने लगा है। भविष्य में लोगों को और सुविधाएँ मिलेगी तथा योजनाओं की स्थिति और बेहतर। लखीसराय में लक्ष्मी नारायण पूजा को लेकर एक तरफ जहां हर्षोल्लास था, तो वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली स्वर्गीय बालेश्वर साव के लिए कमेटी के लिए लोगों में एक कसक थी। बता दें कि इसको लेकर कमेटी के लोगों ने उनकी याद में 1 मिनट का मौन रखते हुए स्वर्गीय बालेश्वर साव को याद किया। जो कि बालेश्वर चाचा जो थे वो हम लोग को मेला लगाने का सब चीज़ करके गए, प्रेरणा दे के गए, उनको हम सब दिन नमन करते हैं। जिनके याद में हम लोग मौन धारण किए हैं। एक बालेश्वर बाबू थे जो हमारे समाज में किसी भी काम को चढ़ बढ़ करके आगे बढ़ करके हिम्मत कर करके और सर्व काम को पूरा करते थे। वो एक ऐसे महान आत्मा थे कि जिन्होंने एक अपनी छाप छोड़कर चले गए, और उन्हीं के याद में जो स्वर्गीय बालेश्वर साहू जी हैं, जिनसे मैं भी बहुत प्रेरणा लिया और सीखा,
और आज मैं उन्हीं का देन है कि मैं उनसे प्रेरणा ले करके आज आप लोगों के बीच दो शब्द रखने का हिम्मत करता हूँ। खबर पीर 35 से है, जहाँ शिवपुर थाना क्षेत्र के गांव आजाद नगर में 4 अक्टूबर की शाम एक युवक किसी के बुलाने पर घर से बाहर निकले थे, जो अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आए। वहीं युवक की पत्नी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पति को दूसरे गांव के निवासी बुलाकर ले गए और तब से दोनों लोग वापस नहीं आए। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। 4 तारीख शाम को 7 बजे इसी महीने में। क्या बात था, कौन आया था, कौन ले गया साथ में? अमरनाथ सा। क्या बोल के ले गए थे वो? तो बोला आधा घंटा में तुरंत पहुंचा देंगे। खबर नवादा से है, जहां पुलिस ने रामनगर स्थित ब्लॉक के पास एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। और मृत युवक की पहचान नारदीगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी अशोक रजक के 50 साल पुत्र अरविंद के रूप में किया गया। फिलहाल पुलिस अब सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। भागलपुर जिला में बच्चे चोरी मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते हवाई अड्डे के पास एक दबंग ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर तिलक मांझी की तरफ ले जा रहा था, जहां चोर पर पुलिस की नजर पड़ गई, जिसके बाद चोर बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं बच्ची से बातचीत करने के बाद बच्ची ने बताया कि वो अपने दोस्त और उसके दादाजी के साथ हवाई अड्डा खेलने गई थी। भैया क्या बोल करके? चॉकलेट दिलवाएंगे क्या? कौन सा चॉकलेट दिलवाए थे? कै गो? दो गो। कहाँ ले गए फिर? बच्चा जो है ना, मतलब घर पर से जो स्कूल ले जाने के क्रम में पता, मतलब घर में था और स्कूल 7:50 में लगता है, उसको फिर सोचे कि तैयार होगा, लेकिन घर में नहीं था। घर में नहीं होने के कारण हम लोग आसपास खोजने लगे, तो पता चला कि तिलका मांझी थाना में बच्ची है, बरामद हुआ, इसलिए जो है कि हम लोग शांति लिए। आगामी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, एसपी लिपि सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सहित जिले के आलाधिकारी मौजूद थे। बता दें, छठ पूजा के चलते शहर के विभिन्न छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। आज सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, पूर्व से ही टीम को गठित किया गया था, टीम अपनी तैयारी कर रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और मेरी पूरी टीम जो है लग के छठ के जितने घाट हैं उनको पब्लिक के लिए जितना सुगमतापूर्वक सब आके अपना छठ का आ सकें और जा सकें, पूरा क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, हर घाट की सफाई, अन्य हमारे जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति, सभी विषयों का अध्ययन हो रहा है। तो सभी घाटों का आज मूवमेंट होगा और जो भी इसमें कमियां हैं उसको समय रहते हुए दूर करके पब्लिक के लिए हम लोग इस बार का छठ जो है एकदम सुगमतापूर्वक और एकदम सरलतापूर्वक सब अपना आराम से आएँ और आराम से जाएँ, उसके हिसाब से पूरी तैयारी प्रशासन। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस